गौर प्रबंदन सिंह हरे कृष्ण महामंत्र की। आज के इस दामोदर महामहोत्सव कार्तिक महामहोत्सव की गौर प्रबंदे हरी हरी बोल। तो आज के इस संडे फिश प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और महाभाव प्रभु ने बोला सब कुछ हिंदी में बोलना, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से आया हूँ। तो हिंदी और इंग्लिश मिक्स, ना मैं पूरी तरह से इंग्लिश में बात कर सकता हूँ ना हिंदी में, तो बीच में इंग्लिश भी आएगा बीच में हिंदी भी आएगा, तो कृपया थोड़ा संभाल लेना मेरे साथ। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे, सबसे पहले तो मैं हमारे वरिष्ठ यात्रा लीडर हिज ग्रेस गौरव नरसिंह प्रभु, हमारे और भी यात्रा के वरिष्ठ भक्त हैं, उनसे प्रार्थना करूंगा कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया है, ये सेवा का मौका दिया है इस कार्तिक मास में, ताकि मैं अपने आप को और शुद्ध कर सकूं इस सेवा से और आप सब लोगों की कुछ यू नो आप सब लोगों तक भी ये कार्तिक महामंत्र का जो महत्वपूर्ण कथाएँ हैं आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो उनके लिए मैं सबसे पहले उसका ये निवेदन करूंगा कि वो मुझे अपना भूरी भूरी आशीर्वाद दे, दे ब्लेस मी एंड वी ऑल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर आल्सो टू प्लीज प्रे फॉर मी सो दैट आई कैन स्पीक व्हाट इज एज पर गुरु साधु एंड शास्त्र, जो भी मेरे मुख से वाणी से निकले वो हम सबके यू नो उपयुक्त हो और हम अपने जीवन में भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ सके, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ आप सबसे। और जो वरिष्ठ भक्त है यहाँ पर उन सबसे अनुरोध करता हूँ कि वो लोग मुझे थोड़ा ब्लेसिंग्स दें सो दैट आई कैन डू दिस सेवा प्रॉपरली। ओम ज्ञानतिमिरान्दस्य ज्ञानाञ्जनस्य शाखय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप धावयम् ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतभगवतमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितन्तं सजीवं साद्वैतं साधुतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णप्रदां सहजन ललिता श्रीशाकाम्बिकां च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येन च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय उपरि श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनि नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशादेशकारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सारस गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो जब मैं एक क्लास के बारे में मुझे जो नचु प्रभु ने बताया तो मैं सोच रहा था कि मैं किस विषय पर, क्योंकि कार्तिक महात्म्य बहुत है, लोग तीस तीस दिन पूरे महीना भर एक दिन हर एक क्लास करते रहते, इतनी सारी भगवान की लीलाएं हैं, तो मैं किस पर बात करूं। तो मैंने सोचा कि मुझे उस चीज पर बात करना चाहिए जिसकी सबसे ज्यादा मुझे आवश्यकता है इस महीने में। ये बहुत ही पावन महीना है, इस महीने में हम अपने आप को थोड़ा और भक्ति में सशक्त बना सकते हैं। We can make ourselves more and more strong in भक्ति। तो भक्ति में हमको strong बनने के लिए क्या चाहिए? What we need the most is the qualities. What are the qualities of the devotee? एक भक्त के क्या गुण हैं?
वो गुण हम में आने चाहिए। तो ये कार्तिक का महीना हमको इस तरीके से देखना है कि हम वो गुण अपने अंदर ला सके। तो जब मैंने इसके बारे में सोचा तो मुझे तब भगवत गीता का 12वां अध्याय याद आया। वैसे भी कार्तिक महीने में हम लोग 12th चैप्टर ऑफ भगवत गीता को रीड करने के लिए कहते हैं। तो जैसे हमारा दामोदर अष्टकम है, जैसे हमारा शिष्य अष्टकम है, वैसे एक भक्त अष्टकम भी है जो इस 12वें अध्याय में है, वर्स 13-20। तो ये बहुत ही सुंदर अध्याय है जिसमें भगवान भक्ति की परिकाष्ठा के बारे में बताते हैं, भक्ति कैसे करनी है, भक्ति के लेवल बताते हैं। एंड देन ही इज आल्सो गिविंग आउट दिस क्वालिटीज ऑफ अ डिवोटी, क्या डिवोटी के अंदर क्वालिटी होनी। जब मैंने पढ़ा इसको और ध्यान से और इस हिसाब से पढ़ा कि ये क्वालिटीज मुझ में आनी चाहिए, तब मैंने सबसे पहले ये दिमाग में चार्ट बनाना शुरू कर दिया कि ये क्वालिटी मेरे अंदर कितनी है। तो मैं ये चार्ट आप लोगों को दिखाई नहीं सकता क्योंकि वो चार्ट इतना एम्प्टी है, क्या दिखाऊं, है ना। तो बस यही अनुरोध है कि इसको मैं आगे अपने प्रैक्टिस में लाऊं और आप सब लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं कि इफ यू फाइंड इट यूजफुल यू कैन आल्सो प्रिपेयर दिस चार्ट एंड सी whether you have, to what level you have these qualities in you, that will definitely help. So, hum log sabse pehle bhakta ashtakam padhenge. Now, we'll go to verse 13-20. We'll read this with translation. So, pehla verse 13-14. Om namo bhagavate vasudevaya. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च निर्ममो निरहंकार सम दुःख सुख क्षमी संतुष्टो सततम् योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पिता मनो बुद्धि यो मद्भक्ता समे प्रिया। Translation: One who is not envious but is a kind friend to all living entities, who does not think himself a proprietor and is free from false ego, who is equal in both happiness and distress, who is tolerant, always satisfied, self-controlled, and engaged in devotional service with determination, his mind and intelligence fixed on me. Such a devotee of mine is very dear to me. Verse 15. यस्मानोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षं ऋषभयोद्वेगे मुक्तो यः समे प्रियः। Translation: He by whom no one is put into difficulty and who is not disturbed by anyone, whose repose in happiness and distress, fear and anxiety is very dear to me. Verse 16. Anapikshasu chirdaksha udasino gatavyatha sarvarambha parityagi yo mad bhakta same priya. Translation: My devotee who is not dependent on the ordinary course of activities, who is pure, expert, without cares, free from all pains and not striving for some result, is very dear to me. Verse 17. Yo na harshati na dveshti, na sochati na kamshati, shubha shubha parityagi, bhakti mam yah same priya. Translation: One who neither rejoices nor grieves, who neither laments nor desires, and who renounces both auspicious and inauspicious things, such a devotee is very dear to me. Verse 18 and 19.
समशत्रुच मित्रेच समशत्रुच मित्रेच तथा मानपमानयो तथा मानपमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जित समसंग विवर्जित तुल्य निंदा स्तुति मौनि तुल्य निंदा स्तुति मौनि संतुष्टो येन केनचे संतुष्टो येन अनिकेतस्तिरमति भक्ति मामे प्रियो नरः भक्ति मामे प्रियो नरः Translation: One who is equal to friends and enemies, who is equipoised in honor and dishonor, heat and cold, happiness and distress, fame and infamy, who is always free from contaminating association, always silent and satisfied with anything, who does not care for any residence, who is fixed in knowledge and who is engaged in devotional service, such a person is very dear to me. Text 20. ये तु धर्मामृतमिदं ये तु धर्मामृतमिदं यतोक्तं परियुपाशते यतोक्तं परियुपाशते शतधानमत्पा परमं शतधानमत्पा परमं भक्तस्तेतिव मे प्रियः भक्तस्तेतिव मे प्रियः Those who follow this imperishable path of devotional service and who completely engage themselves with faith, making me the supreme goal, are very very dear to me. तो भगवान यहाँ पर बहुत सुंदर चीज बताते हैं वो क्या है कि that such a person is very dear to me. तो ये हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है. What we want to become? Krishna may be dear to us today, but are we dear to Krishna? Of course we are. Krishna loves everybody. भगवान भगवत गीता में एक verse है 9.29 क्या कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यः तो भगवान कहते हैं एनवी नो वन नॉर एम आई पार्शल टू एनीवन आई एम इक्वल टू ऑल बट हूएवर रेंडर्स सर्विस अप टू मी इन डिवोशन इज अ फ्रेंड इज इन मी एंड आई एम आल्सो फ्रेंड टू हिम तो भगवान सबके साथ सम है लेकिन फिर वो एक और कैटेगरी के बारे में बताते हैं जो उन पर हावी हो सकते हैं हम दावत अमीना में यही देखते हैं भगवान का क्या है भक्त वत्सल है अहम भक्त पराधीनो ये एक बहुत बड़ा क्वालिटी है भगवान का तो वी हैव टू बिकम डियर टू कृष्णा इन व्हाट सेंस इन द सेंस दैट कृष्णा वांट्स अस टू बी अगर हम किसी का फेवरेट बनना है तो व्हाट वी हैव टू डू एनी गेसेस किसी का फेवरेट अगर बनना है तो क्या करना पड़ेगा सेवा करना पड़ेगा सेवा कैसे करना पड़ेगा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने का फ्रेंड रिक्वेस्ट में वो क्या देखेंगे नाप नक्शा देखेंगे ओहदा देखेंगे पोजीशन देखेंगे वेदर इट इज ऑफ माय लाइक्स मुझे ये मेरे तालमेल में आता है कि नहीं If you want to become a favorite of somebody, you have to do something that pleases that person. और हमें वो गुण होने चाहिए, वो capability होनी चाहिए. यहाँ पर हम किसकी favorite बनने की बात कर रहे हैं? Krishna. You know, हम Krishna को हल्के में नहीं ले सकते. That's our problem. अब तक हम उनको हल्के में लेके आ रहे हैं. हमको लग रहा है हमारा सब चल रहा है, गाड़ी दौड़ रही है, गाड़ी में पेट्रोल गिर रहा है. We are living a fancy life. Life is all merry. बहुत सुंदर है. How are you? I am fine. Immediate is response रहता है हम लोग. We are not fine that we don't understand because unless and until we connect with Krishna, we will be suffering into this place. ये चीज हमको नहीं समझ में आती है. No, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कृष्ण को हल्के में लेते हैं. हम सोचते हैं कि भगवान क्या है? उनको एक दिया दिखाएंगे. वो हमारे मेरू के समान पाप को खत्म कर देंगे फिर वी आर एंजॉयिंग अगेन सतयुग आएगा कलयुग आएगा सब एंजॉय करते घूमेंगे आर यू रियली एंजॉयिंग नो दिस इज द क्वेश्चन यू हैव टू रियली फाइंड दैट आंसर ये कार्तिक का महीना ये इंट्रोस्पेक्शन के लिए है यू हैव टू रियली सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू मी यू नो मैं भागवतम का एक क्लास सुन रहा था हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु जी का एंड ही Express a very beautiful point. You know,
A measure of our bhakti, how much we have progressed in our life, depends upon two things. One is while we are leaving, and another is when we are leaving. While we are leaving, matlab hum jab jeevani apni ji rahe hai tab, aur ek antakalich, antim samay mein hum kya karte hai? What we do? To unhone ek verse quote kiya. I don't remember the exact number, but I know the verse, very famous verse. Dharma swanushtipam pumsa vishvaksena kathasuya no utpadayet yadi ratim shrava eva hi evalam. Very beautiful verse. Hum log ne bhakti vaibhav jab koshish kar rahe the tab bahat kiya tha ye, you know. Abhi us verse ka istemal samajh mein aa raha hai. To prabhu ji ne bataya ki when we are doing our, you know, going through our life, going through our life or growing through our life. When we are going through our life, jeevani apni jee rahe, when we are leaving, are we developing that rathi towards Krishna? Bhagwan ke prati wo rathi nirvan ho rahi hai ki nahi? Ye bahut bada, measure hai. Every day we have to check whether I am getting inclined to Krishna. Am I getting affectionate, attraction, and am I going to the point where I am going to surrender to Krishna? Am I surrendered to Krishna? Mera interest kis mein hai? So this is one measure. And second is when we are living like this, agar hum jeevan jeete vakt apna kaam kar rahe, we have to do our dharma. We have to do, agar shaadi kiya hai to bachcho ko palna hai, biwi ko sambhalna hai, everything we have to do. We can't give up that, ये भगवान ने बोला है सर्व धर्मान परित्यज्य, पहला ये धर्म ही छोड़ दो, टेंशन ही नहीं चाहिए, यही सबसे बड़ा रुकावट है मेरा, है ना. हम ये सबसे बड़ा रुकावट को निकाल देंगे तो क्या होगा, बहुत सारी और रुकावटें आएगी, है ना. हम जिसको समझ नहीं सकते, है ना. पत्नी है तो बहुत सारी चीजें हमको संभाले, बिकॉज वी आर नॉट केपेबल इनफ. तो सारी यहाँ पर बैठी हुई पत्नियां जो है वो सोचे कि यस इज राइट, यू नो, माय हस्बैंड कांट मैनेज ऑन हिज ओन, वो अकेला नहीं रह सकता, उसको मेरी जरूरत है. यू नो दैट्स वाइस वर्सा आल्सो, बट इट इज देयर, यू नो, लाइक वी आर कंडीशन्ड इन अ वे दैट, यू नो, कि मैं गृहस्थ धर्म में फिर बैठता हूँ, आई सिट इन दैट, बट आई हैव टू फॉलो दैट धर्म, आई हैव टू डू माय सर्विसेज ओवर देयर. बट इफ आई डोंट डेवलप द रति टू श्रोतवता, सुनने के लिए भगवान के प्रति प्रेम और भगवान के प्रति आकर्षण, भगवान के प्रति समर्पण, ये अगर हमारे अंदर नहीं आया तो क्या है, श्रम एव ही केवलम. हरेर नाम ही केवलम है, ये श्रम एव ही केवलम है, दैट विल डिटरमाइन, यू नो, कि हमने मरते समय जब अगर हमारे मुख में हरि नाम नहीं आया तो क्या हो गया, श्रम एव ही केवलम. और मरते समय भगवान का नाम आ गया तो क्या हो गया, हरेर नाम ही केवलम. ये बहुत बड़ा एक सुंदर पॉइंट प्रभु जी ने बताया, थॉट आई विल शेयर दिस, एंड ये अभी के लिए बहुत उपयुक्त है, बिकॉज़ कार्तिक महीने में हम लोग बहुत भागा दौड़ी कर रहे हैं. मेनी ऑफ आवर डिवोटीज आर एंगेज, चलो धाम उधर आती, चलो धाम उधर आती, नो, इधर इसके घर में धाम उधर आती, इतना ये लैब, इतने नए लोग है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे, वी आर एंगेज, बट अगेन वी नीड टू ऑल्सो स्पेंड टाइम इन अवर ओन साधना. हमको अपनी साधना को भी प्यूरिफाई करना है और हमको स्ट्रांग बनना है. ये महीना हमारे लिए बहुत उपयुक्त है अपने आप को स्ट्रांग बनने के लिए. माता जी को क्वेश्चन पूछना है, श्रव एव ही केवलम का मतलब है, इट इज ऑल फ्यूटाइल वर्क. जीवन जी रहे हैं और कुछ प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है एट द एंड ऑफ द डे, कृष्णा, वी वॉन्ट टू गो बैक टू कृष्णा लोक, बट जो भी मेहनत किया वो वेस्ट. क्यों, श्रम है वही केवलम, क्योंकि यू डिड एवरीथिंग, यू वर बीइंग अ गुड हस्बैंड, गुड वाइफ, गुड चिल्ड्रन, कोई सीईओ बना, कोई सीआईओ बना, कोई ये बना, कोई वो बना, कोई प्रधानमंत्री भी बन गया, चलो, नो, यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग इन योर लाइफ, बट यू हैव नॉट अचीव्ड कृष्णा प्रेम, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एवरीथिंग इज गोइंग टू बिकम जीरो. व्हाई, जब नेक्स्ट जन्म आएगा तो क्या करेंगे, फिर से एबीसीडी, फिर से एबीसीडी करेंगे, 1 2 3 4 आई करेंगे, एवरीथिंग यू हैव टू लर्न अगेन. जो भी सीखा समझा, बीवी को फिर से ठोक बजाकर तुमको सही करना पड़ेगा, यू नो, इमेजिन, फिर से वही झंझट में जाना पड़ेगा, यू नो, जो अभी है हम तकलीफ झेल रहे हैं, एक दूसरे को नोच खा रहे हैं, लेकिन वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग.
यहां से निकले तो भगवान के गोलोक धाम में जाएंगे एंड वी विल हैव लॉट ऑफ थिंग्स देयर, यू नो, हमारे हरिला प्रभु ने बताया था व्हाट वी हैव टू डू देयर, ट्री ट्री, मुझे पनीर सब्जी दे दो, ट्री विल गिव, ईट डांस एंड सिंग द ग्लोरीज, इट इज सो नाइस, सो फैंटास्टिक, है ना, हमको यही तो चाहिए, यू वांट टू बी इटर्नली हैप्पी, यू नो, देन व्हाई टू क्रब डाउन दैट, बिकॉज़ कोई आता है ऐसा हंसते हुए पैदा हुआ, ऐसा आया मैं परमानंद हूं, मैं आ गया परमानंद आ गया, चलो आई एम सो स्माइलिंग, वो रोएगा नहीं तो मार के चिमटी काट के उसको रुलाते, है ना, रोता क्यों नहीं है तू, समझ, यू आर इनटू दिस दलदल, इसमें आके रोना है, यू नो, तो पैदा होती हम क्या करते हैं, रोते हैं, कोई हंसते हुए नहीं आता, वो हंसते हुए आएगा तो डॉक्टर परेशान हो जाएगा, हंसते हुए क्यों आया, तो सी इतना क्लियर इंफॉर्मेशन दिया हमको, समय भक्ता सचमे भक्ता मद भक्ता समय प्रिय, मद भक्ता समय प्रिय, भगवान बार बार बताते हैं कि ये क्वालिटीज अगर तुम में है then you are dear to me and if you become dear to him then you will go back to him, no, तो भगवान जो भी मैंने वर्स पढ़ा you know 9.29 में भगवान क्या बोलते हैं, वो भक्त मेरे अंदर है, ये भजंती तु माम भक्त्या मै ते तु तेषां, he is in me and he is also friend to me, so we have to become friend of Krishna, Krishna is our dear most friend, सूर्यदम सर्वभूतानां, वो सबके सूर्य है, सबका भला देखते हैं, so that's why this verse is very very important and this 12th chapter is concerning about three main things, you know, पूरा ये chapter का अगर summary तो नहीं लेंगे, but just quickly, जो first verse से लेके 7th verse है, what is that chapter telling us? Bhakti is superior to impersonalism, why? Because Arjuna wanted to clear this doubt, कि लोग क्या करते हैं भगवान के फॉर्मलेस या विराट स्वरूप जो कि टेम्पररी है यू नो उसकी पूजा भी करते हैं उसकी आराधना करते हैं, दे वांट टू मर्ज इनटू द वननेस, दे वांट टू बिकम वन विद कृष्णा, दे कैन नॉट बिकम वन विद कृष्णा, दे कैन बिकम इन क्वालिटी यू नो बट नॉट इन क्वांटिटी, तो भगवान ये क्लियर करते हैं कि ये जो चैप्टर है इट इज ऑल अबाउट कृष्णास वेरी ब्यूटिफुल फॉर्म, श्याम सुंदर फॉर्म, क्योंकि 11वें अध्याय में भगवान ने विराट रूप दिखाया, अर्जुन बिविल्डर हो गए वो देख के, तो ये क्या देख लिया मैंने, ये खत्म ही नहीं होता है, शुरू कहां से हुआ, मध्य कहां, अंत कहां, इतने सारे मतलब जो भी जा रहा है उनके मुंह में कट रहा है, मर रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, यू नो ही वाज कंप्लीटली बिविल्डर्ड, देन ही रिक्वेस्टेड, ही डिड लॉट ऑफ प्रेयर्स एंड देन ही रिक्वेस्टेड कि लॉर्ड गिव मी योर, शो मी योर, यू नो फोर हैंड फॉर्म एंड देन श्याम सुंदर फॉर्म एंड देन ही वाज काम डाउन, देन अगेन ही, पहला तो उनका पोजीशन हिल गया, बिकॉज ही इज अ साक्य डिवोटी, यू नो डिवोटी इन फ्रेंडशिप, बट जैसे ये देखा तो वो एकदम ऐश्वर्य भाव के अंदर आ गया, एंड ही वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या करूं, रेवरेंस मोड में आ गया, भगवान को प्रणाम ही प्रणाम कर रहा है, वो फॉरगॉट हिज पोजीशन ऑफ बीइंग फ्रेंड विद कृष्णा, दिस इज व्हाट कृष्णा डजंट वांट, कृष्णा वांट अस टू रिलेट विद हिम इन डिफरेंट रसास, हमारा प्राइमरी रस क्या है, जैसे अर्जुन का था साक्य रस, हमारा कुछ और होगा, वो हमको फाइंड आउट करना है, हमारा स्वरूप लक्षण क्या है वो हमको फाइंड आउट करना है, सो फर्स्ट वी बिगिन विद दिस, यू नो लाइक टू अंडरस्टैंड दैट कृष्णास फॉर्म, दैट श्याम सुंदर फॉर्म इज दैट वी हैव टू रिलेट टू, ही इज पर्सन हु इज गिविंग अस नो रेसिप्रोकेशन, ही एक्सचेंजेस द फीलिंग ऑफ लव, वो हमारे साथ क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, नो हम उनके साथ एक संबंध प्रस्थापित कर सकते हैं, तो ये चीज वो पहले बताते हैं, फिर वो प्रोग्रेसिव स्टेजेस ऑफ भक्ति बताते हैं, क्या ऑप्शंस है हमारे पास, तो पहला 8, 9 और 10 का वर्स है जो काफी भक्तों से रिलेटेड है, 11 और 12 जो है वो इनडायरेक्ट भक्ति के रिलेटेड है, और फिर उसके बाद जो 13 वर्स जो हमने पढ़ा अभी 13-20 जो भक्त अष्टकम कहलाया जाता है, क्योंकि उसमें भगवान बताते हैं कि ये क्वालिटीज तुम्हारे अंदर आएंगी तो आप मेरे प्रिय बनोगे, तो हमें समझना है कि भगवान ने टोटल यू नो यहाँ पर 36 क्वालिटीज बताए, ये 36 नंबर भी बहुत इंटरेस्टिंग है,
जब हम शादी करने जाते हैं तो कुंडली मिलाते हैं तो क्या देखते हैं, 36 गुण हुए कि नहीं, तो 36 के 36 गुण तो कभी मिलते है ही नहीं, 17-18 भी मिल गए तो चल भाई इसका तो हो नहीं सकता और कुछ, तो 17-18 में निपटा देते हैं, हाफ में खत्म कर देते हैं। तो हम गुण मिलाते हैं तो भगवान, तो ये मेरा स्पेक्यूलेशन है, मैंने कहीं सुना नहीं है, ये मेरे दिमाग से उपज निकली हुई है। अगर ये गुरु और साधु शास्त्र वाणी से रिलेटेड है तो आप इसको ले सकते हैं। हमें प्रभुपाद ने कहा है कि मिनिमम 70% हमको मिनिमम सिंसियर बनना है, तो ये 36 गुणों में से 70% हमारे अंदर, एक्चुअली सभी गुण आने चाहिए लेकिन सभी गुणों में हमको 70% उत्तीर्ण मिनिमम होना चाहिए, तब शायद हमारा कोई चांस बन सकता है, यू नो। तो ये गुण तो मैं एक टू से नहीं लूंगा, बट विल टॉक व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, यू नो। तो ये दामोदर महीने में हम एक कर सकते हैं कि अलॉन्ग विद अवर दामोदर अष्टकम वी कैन ऑल्सो रिसाइट एवरी डे भक्त अष्टकम, इसके ऊपर मेडिटेट कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया, आप लोग अपना एक चार्ट बनाइए, वो सारे गुण लिखिए और देखिए कि कहां पर मैं स्टैंड करता हूं, वेयर डू आई स्टैंड टुडे, यू नो क्या होता है। और एंड यू शुड रिवाइज दैट अगेन एंड अगेन, तो जैसे आपके जीवन में कोई इंसिडेंट आता है, यू नो, जैसे एक बहुत सुंदर क्वालिटी बताई है इसमें, अद्वेष्ट, यू शुड बी नॉन एनवियस। द मोमेंट यू फील दैट यू हैव समवन समवेयर एनवीइंग अबाउट समथिंग, यू नो। और कैसे समझना है कि किसी का गुण कीर्तन हुआ तो मेरा ध्यान किधर गया, क्या बात कर रही है, हम जानते हैं इसको, यू नो, लाइक वी आर नॉट एबल टू हियर द एप्रिसिएशन ऑफ अदर्स, देन दैट मोमेंट इटसेल्फ वी शुड रियलाइज कि हमारे अंदर कुछ ईर्ष्या है उस व्यक्ति के प्रति, वो व्यक्ति में गुण है नहीं है, लेकिन अगर उसके बारे में, वी हैव टू बी नॉन एनवियस टू एवरीवन, सर्वभूतानां, राइट, अद्वेष्ट सर्वभूतानां, सबके बारे में। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि वो क्वालिटी मेरे अंदर कहां तक है, Am I genuinely appreciating people? Am I doing it falsely? वो हमको पता होगा, तो हम उसको टटोलना है। हमारे सीनियर्स के साथ बैठ के भी हम चर्चा कर सकते हैं, they can tell you, we should be open to feedback first of all. अगर हम फीडबैक के लिए ओपन है तो हमको भक्त आकर फीडबैक दे सकते हैं, जो वरिष्ठ भक्त है उनके साथ में हम जब संग करते हैं तो उनसे हमको पता चल सकता है कि कहां पर हम कमी है और वो सारी कमियों को हमको भरते हुए आगे बढ़ना है। सो दिस दामोदर मंथ वी कैन डू दिस। Now, what are the stages of these qualities? ये सारी qualities जो मैंने बताया, मतलब हम इस पढ़े अभी ये 13 verse से 20 verse में, इनकी एक एक स्टेज होती है। तो एक स्टेज है इच्छा रूप, मतलब वो डिजायर स्टेज में, अभी हमने पढ़ी तो इसमें से कुछ तो हमको पता भी नहीं होगी, मतलब सुनी भी नहीं होगी, अभी पढ़ने के बाद हाँ ठीक है ये अच्छा क्वालिटी है, you should have this. Being tolerant, being samoham sarvabhuteshu, सबके साथ सम रहना है, दुख में सुख में समान रहना है, equipoise रहना है, okay, this is nice, you know, I should develop this desire रूप में, इच्छा रूप में, अभी है नहीं, but इच्छा हुई है कि करेंगे, तो वो इच्छा रूप में, you hear them, you like them, you appreciate these qualities, but you are not keen about following them, अभी keenly नहीं है, अपने अंदर वो स्थित नहीं है, तो दूसरा क्या है, अभ्यास रूप, some you are trying to follow, त्रिनादपि सुनीचन तरोरपि ऐष्णु नामानि नमादेन कीर्तनिया सदाए, भगवान बार बार यही सारी क्वालिटीज बाकी जगहों पर भी रिपीट करते रहते। तो समवन हु इज रीडिंग शिक्षा अष्टकम डेली, ही माइट थिंक, तो उसमें भी ये सारी क्वालिटीज कवर्ड है, तो इसमें से हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो शायद कुछ क्वालिटीज हमें आई, यू नो, कुछ, यू नो, लाइक आई वॉन्ट, डोंट वॉन्ट टू बी बॉस, आई वॉन्ट टू बी दास, तो हम एटलीस्ट लिखना शुरू करेंगे, यू नो, यू आर सर्वेंट, यू नो, आई एम योर सर्वेंट, यू नो, आपका दास हूँ, चरणों का दास हूँ, ये सब हम शुरू करते हैं। तो दिस वे we have not made it, but we are at least trying to, you know, imbibe those, you know, so bhyas roop mein hai, we are trying to practice, you know, then it comes into siddha roop, that means you are having, you have somehow built those qualities in you, kuch had tak apne develop kar liya apne andar, but they are not constant, matlab koi aisa provoking situation aayega to hamara rudra roop bhi bahar aayega, you know, provoking situation mein kabhi kabhi gadbad ho jata, we are, you know, like prone to provoking situation, you know, ab tak to main bahut sada hu, but don't get to my wrong side, you know, main jab tak sahi hu aur mujhe mera rudra roop dikhane ke liye majboor mat karo, you know, to hum log wo caution board bahar laga ke rakhte hain, so beware from dog, so beware from, you know, mujhe is baat ka bhi chhedna nahi, you know, like we are putting all those kind of pillars or, you know, constraints, yeah, we put all this kind of constraints
मेरी दोस्ती अच्छी है लेकिन मेरी दुश्मनी तुमने देखी नहीं. Like we then talk all these wonderful dialogues and show our wrong side also. तो ये क्या है? सिद्ध रूप में we are naturally good people, but then somewhere something will disturb. और आखिर में स्थिर रूप में. स्थिर रूप मतलब it is constantly with you. Provoking situation हो, कुछ भी हो. स्थिर रूप में कुछ qualities हमें स्थिर रूप में. You know, after coming into this court for so long years. और ऐसी क्वालिटी जो मतलब ये भी है क्या ऐसा मतलब आपको देख के लगता है तो उसको बोलो इच्छा रूप में है. एटलीस्ट आई विल ट्राई. यू नो ऐसा मत करो टिक मारो कुछ भी ऑप्शन में नहीं छोड़ना है. भगवान का पेपर बहुत खतरनाक है. एक एग्जाम आती है और वो एग्जाम में एक ही क्वेश्चन होता है क्योंकि क्षण एक क्षण में प्राण निकल जाते हैं. लेकिन वो एक क्षण में एक ही क्वेश्चन वो एक क्वेश्चन अगर उसी एक क्वालिटी पे होगा तो क्या करोगे? तो कोई भी क्वालिटी को ऑप्शन में नहीं छोड़ना है. भगवान की करुणा तो हमको चाहिए. सो व्हाई वुड वी वांट टू इंबाइब दिस क्वालिटी इन अस? यू नो ऑब्वियस आंसर, वी वांट टू हैव कृष्ण प्रेम, है कि नहीं? तो ये हमारे मुंडेन अफेयर्स में भी हम देखते हैं. जब कोई अफेयर होता है कहीं पर तो फर्स्ट देयर इज व्हाट? अट्रैक्शन. हमने किसी को देखा, उन्होंने हमको देखा, थोड़ा नो अट्रैक्शन हुआ. आफ्टर अट्रैक्शन के बाद यू स्टार्ट टॉकिंग, यू नो थोड़ा जान पहचान हो जाती है. व्हेन व्हाट हैपेंस? अफेक्शन. स्टार्ट गेटिंग अफेक्टेड. यू नो एक बुरा सा अच्छा लग रहा है, ये बात अच्छी लग रही है, वो बात अच्छी लग रही है, ये अच्छा गुण है, वो अच्छा गुण है. यू ट्राई टू सी दैट एंड अफेक्शन बढ़ता है. अफेक्शन के बाद क्या होता है? यू स्टार्ट स्पेंडिंग मोर टाइम विद दैट पर्सन एंड यू डेवलप अटैचमेंट. अटैचमेंट होता है कि नाउ यू वॉन्ट टू बी विद दैट पर्सन ऑलवेज. एंड देन कम्स द मोमेंट वेयर यू वॉन्ट टू सरेंडर. तब शादी हो जाती है. मुंडेन अफेयर में भी ये होता है. नाउ यू सरेंडर टू ईच अदर. नाउ तुम मेरे को कितना भी तकलीफ दो आई विल एक्सेप्ट. प्रोग्राम में जाते हैं, सुंदर कीर्तन देखते हैं, आरती देखते हैं, लोग इतने हंस रहे हैं, खुश दिख रहे हैं, ओ वाओ दिस इज अ नाइस प्लेस टू बी. एंड में इतना अच्छा प्रसाद भी मिल रहा है. ये हमको सोशल गैदरिंग भी अच्छा लगता है, हमको दिवाली का फेस्टिवल में वो इवेंट होता है उसमें भी जाने को अच्छा लगता है. कौन आ गया, वो हीरो हीरोइन आ गया तो उनको भी देखने को जाने को अच्छा लगता है. तो वी आर एट द अट्रैक्शन स्टेज यू नो इनिशियली. देन यू गेट टू नो मोर थिंग्स यू नो फ्रॉम द शास्त्र. यू अंडरस्टैंड कि द पर्पस ऑफ लाइफ एंड ऑल. देन यू स्टार्ट गेटिंग अफेक्टेड. और इतना मतलब प्रसाद ऐसा खाने के बाद थोड़ा बहुत सेवा में भी हम हाथ बढ़ाते हैं. वी ट्राई टू गिव सम चैरिटी डोनेशन एंड दैट समहाउ वी गेट कनेक्टेड टू दिस काइंड ऑफ सक्सेस प्रोग्राम्स. वी बिकम लिटिल मोर रेगुलर यू नो मोर देन दैट यू नो इज वन ऑफ नहीं. थोड़ा रेगुलर रहते हैं, वीकली एक बार आने शुरू कर देते हैं तो समवर वी गेट अफेक्टेड. यू नो वी ट्राई टू बी हियर मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट कुछ इंपॉर्टेंट आ गया, कुछ हट गया, मतलब कुछ और चीज आ गया, थोड़ा यू नो माया देवी का पलटा भारी हो गया तो वी ट्राई टू डेविएट ऑल्सो, बट देन अगेन वी ट्राई टू कम बैक. तो वो दैट इज द स्टेज ऑफ अफेक्शन. एंड देन कम्स द थर्ड स्टेज वेयर यू गेट अटैच्ड. यू बिकम मोर इंक्लाइंड. यू बिकम पार्ट ऑफ द होल यू नो कमिटी. You become part of the whole sevadhari group. You are regular sevadhari. You are regular seva mein rehte. So you become attached to this. You know, you don't want to miss out on the opportunities. You get joy. You get happiness. You know that this is the place I want to be. I want to develop my bhakti, and I want to be here.
ये स्टेज में हम काफी हद तक अपने आप को शुद्ध करते हैं, चार नियम फॉलो करना शुरू कर देते हैं, बिकम रेगुलर सेवाधारी, कंठी धारण कर लेते हैं, कुछ तो हम लोग इनिशिएशन तक भी पहुंच जाते हैं, इनिशिएशन भी ले लेते हैं और इस स्टेज में हम लोग रहते हैं। और चौथा स्टेज मेरे जीवन में तो नहीं आया, लेकिन जब जिसके जीवन में आएगा, दैट इज अ टाइम ऑफ समर्पण, यू नो, व्हेन वी कंप्लीटली सरेंडर टू कृष्णा, वी डोंट हैव एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम कृष्णा इन आवर लाइफ। That is the stage we all want to reach. You know, जैसे हमारे गोस्वामियों के था, हमारे आचार्यों में है, हमारे गुरु महाराज में है, हमारे जो इस्कॉन के सारे महाराज है, they are only living for Krishna. We see so many wonderful devotees. इसलिए devotees के बारे में भी जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए. So we know how they are completely surrendered to Krishna. So they are full. So that is a शरणागति stage. Where we are completely surrendered to Krishna. So these qualities we should imbibe. So what does that tell us? So I want to begin, bring this point, significance of these qualities. ये qualities हमें जब पूरा स्थिर रूप में आने लगती है, तो हमारे साथ क्या होता है? उसका significance क्या है? तो सबसे पहले these qualities what Lord has given, they are not independent of bhakti. They are all related to bhakti. सब भगवान की प्रेममयी सेवा से अनुरूप है. इसमें दो चीजें हैं, एक है जो प्राइमरी और एसेंशियल कैटेगरी में है और एक है तटस्थ लक्षण में, एक है स्वरूप लक्षण और दूसरा है तटस्थ लक्षण। तो स्वरूप लक्षण में बहुत सारी क्वालिटीज है, एक महत्वपूर्ण क्वालिटी स्वरूप लक्षण में भक्ति मान, मीन्स कनेक्टेड टू कृष्ण। अब स्वरूप लक्षण की बात करेंगे तो उसके पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है भक्ति रसामृत सिंधु में 1.1.11 में जो वर्स किया है श्री रूप गोस्वामी जी ने, वो हमारे तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण के बारे में बताते हैं। तो ये जो क्वालिटीज है 36 क्वालिटीज जो हमने भक्त अष्टकम में रिसाइट की, दे ऑल समवेयर फॉल अंडर दिस स्वरूप और तटस्थ। तो स्वरूप में क्या है और तटस्थ में क्या है समझना बहुत आवश्यक है। प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है। तो ये वर्स है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमम। वेयर फर्स्ट क्लास डिवोशनल सर्विस डेवलप्स, one must be devoid of all material desires, knowledge obtained by monistic philosophy and fruitive actions. The devotees must constantly serve Krishna favorably as Krishna desires. So this verse is very, very important if you want to imbibe the qualities that Krishna has told us. Not just in Bhakta Ashtakam, but aur bhi kahi verses mein Bhagavan qualities batate hain. Qualities agar humare andar lani hai, to ye samajhna bahut avashyak hai. Keep on developing this quality. Simple karuna. अगर मैं करुणा कंपैशन भी अगर डेवलप कर रहा हूं तो व्हाट शुड इट डू, इट शुड लीड मी टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो कई लोग हैं जो वेजिटेरियन है बट दे आर नॉट नेसेसरीली कृष्णा कॉन्शियस, यू नो, दे नेचुरली लव पीपल, दे नेचुरली गिव चैरिटी बट दे आर नॉट स्टिल कृष्णा कॉन्शियस। तो क्या होता है, श्रम एव ही, इतनी अच्छाई पाल ली लेकिन क्या किया, यही पर रह गए, हमें यही पर नहीं रहना, वी वॉन्ट टू गो ahead, you want to reach to Krishna Lokam, Go Lokam. वहाँ पर जाना है तो हमको ये समझना बहुत आवश्यक है। तो pure devotional service has three primary characteristics. स्वरूप लक्षण में तीन मुख्य चीज़ हमको समझनी है। क्या है? It is for Krishna only and not for anyone else. सिर्फ जो भी हम अच्छी qualities अपने अंदर develop कर रहे हैं या है, they should be all for Krishna only. तो कृष्णा ओनली का मतलब है, तो बहुत लोग सोचेंगे कृष्णा का मतलब तो सब कुछ है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज कृष्णा, सर्व कारण कारण, तो भगवान के तो आई शुड बी लाइक, मैं अगर देवी की पूजा करता हूँ, इनकी पूजा करता हूँ, किसकी भी पूजा, तो एवरीथिंग इज कृष्णा ओनली, ऐसा नहीं है। कृष्णा के लिए मतलब डायरेक्टली इन रिलेशन विद कृष्णा, एनीथिंग दैट, तो भगवान है, भगवान के अवतार है, डायरेक्ट एक्सपांशंस, इनडायरेक्ट एक्सपांशंस एंड हिज डिवोटीज, उनका धाम, उनकी लीला है, ऑल दिस थिंग्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू कृष्णा, दे विल टेक अस डायरेक्ट टू कृष्णा। कोई इनडायरेक्ट चीज के पास, एकदम इनडायरेक्ट चीज के पास जाओगे तो यू माइट गेट लॉस्ट, यू माइट गेट अटैच टू डेमी गॉड वर्शिप, और यू माइट गेट अटैच टू सम रिचुअल्स, कर्म कांड, दैट विल अगेन डेविएट यू। तो यहाँ पर हमारे गोस्वामी हमको क्लियरली बोलते हैं, डोंट गेट डेविएट, इट इज ओनली फॉर कृष्णा, ऑल दिस क्वालिटीज आर डायरेक्टली relation with Krishna, so that we have to remember. We can love and serve Krishna directly or love and serve those things and persons who are explicitly connected with Krishna.
पूरी तरह से कृष्णमय जो चीजें हैं उनसे हमको जुड़ना है। फिर दूसरा है अनुशीलनम, तीन क्वालिटीज में से पहला था इट इज ओनली फॉर कृष्णा, कृष्णा अनुशीलनम है ना, तो कृष्णा के लिए। फिर दूसरा है अनुशीलनम, अनुशीलनम मतलब क्या, कंटिन्यूअसली सर्विंग कृष्णा means in active engagement, भगवान के साथ continuous सेवा, interruption के साथ नहीं, संडे टू संडे भक्ति बाद में सब मस्ती ऐसा नहीं चलेगा, है ना। Every day we have to be, every moment we have to be connected. सततम कीर्तयन्तु मां, भगवान बोलते ना, तो every moment we have to be Krishna conscious. आज मेरा off है, ये हम ऑफिस में बोल सकते हैं, I am on, not on duty, है ना, तो सेवा के लिए बुला है तो I am not on duty, ये weekdays में मेरे को सेवा मत दो। वीकेंड हम कर सकते हैं, वीकडेज हमारा बस का नहीं है, क्यों, बिकॉज वीकडेज में हम भक्ति नहीं करते हैं, यू नो इट इज नॉट लाइक दैट, एनी डे एनी मोमेंट एनी सेकेंड यू गेट समथिंग विच इज गोइंग टू हेल्प यू इन प्रोग्रेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, यू शुड पिक दैट अप, छोड़ना नहीं है उस सेवा को, फाइंड आउट अ वे हाउ यू कैन मैनेज, फाइंड आउट हेल्प इट इन एटलीस्ट अरेंजिंग थिंग्स, बट डोंट गिव अप, ये वीकडे मेरा ऑफ है ऐसा नहीं है। जैसे हम लोग ऑफिस से कॉल आता है वीकेंड में, भाई तू वीकेंड समझता नहीं क्या, रख फोन रख, अभी नहीं देखूंगा, मंडे को आऊंगा तब देखूंगा, वी टेल इट इन ऑफिस राइट, बट यहां पर नहीं चलता है, 24/7 वी आर अ डिवोटी, नॉट 5/7 8/7 यू नो ऐसा नहीं, 24/7 वी आर अ डिवोटी, वी हैव टू रिमेंबर दिस, एंड दैट इज व्हाट इज अनुशीलनम, यू नो, और अनुकूलन का मतलब क्या, फेवरेबल टू कृष्णा, जो भी एक्टिविटी करना है वो फेवरेबल टू कृष्णा होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग आचार्य बहुत सुंदर एग्जांपल देते हैं कि इवन कंसा एंड हिरण्यकश्यप एंड ऑल यू नो दे ऑल गॉट सैल्वेशन, भगवान ने उनका भी उद्धार किया, बट देयर भक्ति इज नॉट कंसिडर्ड फेवरेबल, व्हाई, बिकॉज इट वॉज गिविंग पेन, बट वेयर एज मदर यशोदा व्हाट डिड शी डू, she also made Krishna cry. दामोदर लीला में हम देखते हैं भगवान को नीचे रख दिया, पटक कर दिया, मेरा दूध नहीं, मैं वो दूध बचाऊंगी, मेरे को वो दूध, 2 लीटर का दूध मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट है, आई वॉन्ट टू सेव दैट मिल्क, she put Krishna down. And what happened to Krishna? He was crying, he was in pain, he was in anguish. गुस्सा हो गए, भगवान को गुस्सा दिला है. So is that love of or is that action of Mother Yashoda अनुकूल है टू कृष्णा और प्रतिकूल है ना, प्रतिकूल है अनुकूल, ये अनुकूल है, अनुकूल है, क्यों अनुकूल है, क्योंकि वो कृष्ण के प्रेम में किया हुआ है कि मेरा दूध तो कहीं भागा नहीं जा रहा है, वो दूध मैंने जो निकाला है पद्म गंधा गाय का वो सर्व आकर्षक और सर्व पोषण देने वाला है, तो शी इज थिंकिंग अभी भगवान तो आत्मा राम है, उनको क्या अपने अंदर से खुशी मिलती है, उनको बाहर जाने की जो अंतरंग शक्ति उनकी उनको पूर्ण आनंद देती है, लेकिन फिर भी मैया का जो प्रेम है उससे उनका मन नहीं भरा, यू नो हमने देखते हैं कि भगवान ने अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड माता यशोदा को दिखा दिया था, जब वो मृतभक्षण लीला किया तब भगवान ने पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया, लेकिन जब दूध पीने बैठे तो उनके उस मुख में वो माता का दूध नहीं समा रहा था, इट वॉज ओवरफ्लोइंग, मतलब वो ब्रह्मांड से भी ज्यादा नो गहरा था, वो गहरा क्या था, वो प्रेम था, कृष्णा वाज सो एंग्शियस, नहीं चाहिए मुझे और चाहिए, आई डोंट वांट टू स्टॉप नाउ, आई एम जस्ट एंजॉयिंग, आई एम रिलिशिंग, दिस इज द लव आई नीड, तो माता यशोदा का जो प्रेम है वो कैसा है, अनुकूलन है, ये चीज हमको ध्यान में रखनी, सो व्हाट एवर वी डू इट शुड बी इन फेवर ऑफ कृष्णा, व्हाट एवर सर्विस वी डू इट शुड बी इन फेवर ऑफ द मिशन ऑफ श्रीला प्रभुपाद. If our services are going to cause rift in the services of Srila Prabhupada, then we are going to dismiss not just Srila Prabhupada, directly Krishna. हमारे लिए जो इस ISKCON संस्था से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अनुकूलन क्या है? Do everything in favorable way to the mission of Srila Prabhupada. और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले तो Srila Prabhupada का मिशन समझना पड़ेगा. क्या है उनका मिशन? You know? That is where we have to go deeper into this. अभी सब हम ऊपर ऊपर के हैं, you know, पानी में ऊपर ऊपर तैर रहे हैं. शिला you know, His Holiness राधा स्वामी महाराज ने बहुत सुंदर चीज बताया था. पानी के ऊपर ऊपर जो मछली रहती है ना, उनको वो गरुड़ आके तुरंत उठा के लेकर जाता है. लेकिन जब
फिशेस विच आर डीप इनसाइड द सी दे आर नॉट कॉट बाय माया लाइक नो जो गरुड़िया पक्षी आकर उठाता है. वी हैव टू गो डीपर. हम लोग अभी ऊपर ऊपर है, हमको समझना है शिला प्रभुपाद का मिशन क्या है. व्हेन यू विल अंडरस्टैंड द मिशन ऑफ शिला प्रभुपाद यू विल अप्रिशिएट प्रभुपाद मोर देन एनीथिंग. यू विल नो दैट माय लाइफ विल बिकम सक्सेसफुल इफ आई डू समथिंग फॉर शिला प्रभुपाद. एंड इज शिला प्रभुपाद वॉचिंग यू? यस ही इज वॉचिंग यू. व्हाई? बिकॉज हिज बुक्स आर प्रेजेंट एंड थ्रू हिज devotees and through the way we are spreading Krishna consciousness everywhere, Srila Prabhupada is watching us. तो जब हम गुरु पूजा करते हैं भगवान Srila Prabhupada को पुष्प ऑफर करते हैं, Srila Prabhupada is looking at us. He is looking inside our heart whether I have bhakti, sincere bhakti in us or not. ये हमको अनुकूलन रूप से करना है. और फिर जो तटस्थ लक्षण में क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम और ज्ञान कर्मादि नावृतम. अन्य अभिलाषिता शून्य मतलब क्या? मतलब कोई और अभिलाषा नहीं, शून्य. नो डिजायर अदर देन कृष्णा, नो डिजायर अदर देन टू सर्व कृष्णा, नो डिजायर अदर देन टू सर्व द मिशन ऑफ श्रीमद् प्रभुपाद एंड कृष्णा चैतन्य महाप्रभु. तो उसके अलावा कोई और डिजायर नहीं. यहां पर सुंदर चीज देखो, अन्य अभिलाषिता शून्यम, जीरो बुला है. दिस शून्य मीन जीरो. नो टीम जॉब अल्टीरियर मोटिव. No team job. मैं ये सेवा करूंगा तो मेरा ये नाम होगा, मैं ये सेवा करूंगा तो मुझे ये मिलेगा. No, if I stay in the power of this position, नहीं, वो सब नहीं देखना है हमको. I have to see that ये सेवा मुझे मिला भगवान की कृपा से मिला है, और ये सेवा मैं सिंसियरली करूंगा तो भगवान प्रसन्न हो. When I'm doing my chanting, I should not have any ulterior motive in my chanting. कि जब करने से क्या होगा, मेरे पाप धुल जाएंगे. पाप धुलने तक का ये प्रोसेस नहीं है. नो, वो तो होगा, हमारे अनर्थ निवृत्ति होंगे, उसके लिए मैं जरा जपा करूंगा. नहीं, वो सब के लिए नहीं, हमको भाव और प्रेम स्टेज तक पहुंचना है, उसके लिए हमारा चैंटिंग है. तो नो अल्टीरियर मोटिव्स इन आवर चैंटिंग, नो अल्टीरियर मोटिव्स इन आवर सेवा, नो अल्टीरियर मोटिव्स इन डीलिंग विद डिवोटीज. डिवोटी के साथ प्रेम से ही डील करना है. लव एंड ट्रस्ट एंड केयर शुड बी देयर. यहां पर आते हैं हरे कृष्णा प्रभु जी, फिर उधर बोल दिया क्या इनको, अभी इनका सुबह अभी हुआ 10 बजे के बाद, ऐसा डिवोटी है. हमको पता है वो डिवोटी क्या कर रहा है. हम बिना वजह ऐसे ही बोल देते हैं, इनको क्या टाइम पे आने को नहीं होता है क्या? We just say like this, but we don't know that devotee is doing so many other sevas. हमको पता है हम अंतर्यामी है, हम परमात्मा है, नहीं है. तो why we have to pass this kind of loose comments? ये loose comments हमको कृष्णा कॉन्शियसनेस में गिरा बनाते हैं. So we have to be very particular, very very particular. तो ये है अन्य अभिलाषिता शून्यम, no ulterior motives. When you say हरे कृष्णा, you say with love and heart. Yes, दिल से आना चाहिए, प्रेम से. आपके हरे कृष्ण से उनके मुख में बहुत सुंदर स्माइल आना चाहिए, और आपके मुख में भी आना चाहिए. नहीं तो आप ऐसा एकदम रगड़ चेहरा देखे, हरे कृष्णा भाई, तो हरे कृष्णा बोल रहे हैं, पत्थर पिक्के मार रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा. So we have to be very loving in our dealings with devotees also, right? No ulterior motives. Then ज्ञान कर्मादि अनावृतम. तो इसमें क्या ज्ञान? ज्ञान मीन्स फिलोसॉफिकल स्टडी. All our philosophical study should connect us to the supreme form of Krishna. ऐसा नहीं कि पढ़ लिया भगवान अचिंत्य है, भगवान ये है, भगवान क्या है? फॉर्मलेस है, निर्गुण है, अब हम निर्गुण की सेवा करेंगे. अरे बहुत भगवान त्रिगुणातीत है, निर्गुण भी है, सगुण भी है, भगवान सब कुछ है. बट यू हैव टू कनेक्ट विद द गुरु परंपरा प्रिंसिपल. हमारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का प्रिंसिपल क्या है? राधा कृष्ण हमारे आराध्य है, और उनका सुप्रीम फॉर्म हमारा आराध्य है. श्याम सुंदर फॉर्म इज अवर आराध्य. सो अवर ज्ञान, वी शुड अर्जित ज्ञान. ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो क्या होगा, कोई भी आके हमको हरा के चला जाएगा. यू नो लाइक वी विल नॉट हैव एनी. और स्पेशली बहुत सारे ऐसे गंभीर प्रभुपाद की किताब लेके आते हैं, प्रभुपाद की किताब लेकर आते हैं और हमको शून्य का ज्ञान लेकर जाते हैं. यू नो सब कुछ शून्य है. They study from Prabhupada books and then they talk about becoming one with Krishna. You know, becoming one means in quality. Even Yashoda Maya was one with Krishna. This is a very beautiful connection with Damodar Leela. That why did Krishna agreed to be tied by Mother Yashoda? Because nobody can tie Krishna. Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Agree? So, because Yashoda Maya became one with Krishna, that was the reason कृष्णा वॉज गॉड टाइप. बिकॉज कृष्ण को और कोई नहीं मान सकता कृष्ण के अलावा. तो यशोदा
माता मैया ने जब बांधा मतलब शी बिकेम वन विद कृष्णा, बट वाज शी वन विद कृष्णा इन टर्म्स ऑफ ऑल हिज एनर्जीज एंड ऑल, नो, वन विद द डिजायर ऑफ कृष्णा. वो जो कृष्ण के हृदय में जो प्रेम था और मैया यशोदा के हृदय में जो प्रेम था वो एक समान था. देयर डिजायर वाज वन टू सर्व ईच अदर, टू हैव रिलेशन विद ईच अदर. कृष्ण को माँ के स्वरूप में उनका वो एंगर भी देखना था, उनका वो गुस्सा भी देखना था, उनके एंगर में वो कीर्तन जो है, वो प्रेम जो है, वो देखना था. एंड दैट वाज अ डिजायर. देन दे बोथ हैड व्हाट इन वन विद डिजायर. तो एक रूप किसमें हुए, इच्छा, उनकी एक दूसरे की इच्छा एक, इसलिए कृष्ण बन गए. तो ये हमको समझ आया. तो ज्ञान हमको किधर तक लेके जाना चाहिए, भगवान तक लेके जाना चाहिए, ना कि इम्पर्सनलिज्म की तरफ. एंड देन फ्रूटिव परस्यूट्स, मतलब कोई भी कर्म करो तो वो उसके कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखो. यू नो, यू शुड नॉट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस कि हम ज्ञान कर्मा दिए. लोग जो भी सेवा कर रहे हैं, मुझे अच्छा घर बार मिलेगा, व्हाट एवर सेवा सर्विसेस आई एम डूइंग. तो समटाइम्स अ डिवोटी में परफॉर्म सम रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज आउट ऑफ सोशल कन्वेंशन. तो मतलब हम रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज भी करेंगे तो हमको ध्यान में रखना है कि भगवान के लिए हम कर रहे हैं, बट टू मेंटेन द सोसाइटी समटाइम्स वी हैव टू डू. जैसे चैतन्य महाप्रभु ने अपने पिताजी का पितृदान भी किया था, बट वो टू मेंटेन द सोशल कन्वेंशन हमको वो करना है. लेकिन ये रिचुअल्स में हमको फंसना नहीं है. डोंट हैव टू अंडरस्टैंड, डोंट यू थिंक दैट यही सर्वे सर्वा है, यू नो. सो ऑल योर फ्रूटिव एक्टिविटीज आल्सो फ्रूटिव परस्यूट्स विद रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज, कर्मादि कर्मकांड भी हमको लिमिटेड रखना है, यू नो, व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग सेवा. जैसे हमारे इस्कॉन टेंपल में भी जब यज्ञ वगैरह करते हैं तो हम कुछ ऐसे, यू नो, उनको बुलाते हैं जो बहुत सुंदर तरीके से यज्ञ करें, हवन करें, बट देन द फोकस इज ऑन चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र ऑल्सो. जैसे इस्कॉन वृंदावन का जब, यू नो, ये किया था इनॉग्रेशन, तो प्रभुपाद कॉल्ड मेनी ब्राह्मणास हु कैन डू दिस इन अ प्रॉपर वे एज पर वैदिक रिचुअल, बिकॉज उनके अगर शिष्य करते तो शायद लोग उसको मान्यता नहीं देते. तो ही कॉल्ड फ्रॉम द आउटसाइड, बट आफ्टर दैट ही हैड अ बिग संकीर्तन जो उनके सारे भक्तों ने किया. तो हिज फोकस वाज दैट. तो कभी कभी करना पड़ता है, बट दैट शुड नॉट बी आवर ओनली गोल कि ये रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज करके मैं भगवत धाम जाऊंगा. नहीं, हमारे लिए भगवत धाम जाने के लिए क्या होता है, चार नियम, 16 माला का जप मिनिमम, वो भी ध्यान पूर्वक, और भक्तों के साथ प्रेम भरा व्यवहार, भगवत गीता भागवतम का श्रवण भक्तों के साथ में, और सेवा वृत्ति, हमारे अंदर सेवा वृत्ति होनी चाहिए. तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं. I will give my class विराम जन. मैं qualities को इसलिए नहीं touch कर रहा हूँ, जैसे मैंने बताया that I don't myself don't have these qualities, but एक indication है कि हम इस तरीके से चार बना सकते हैं. तो बहुत सारे qualities है, अद्वेष्ट, करुणा, समशत्रु, चमित्रेच, मौनी, संगवर्जित, बहुत सारे qualities है. तो these qualities are actually divided into four types. मतलब एक dealing with other living entities, किसी और के साथ deal करते समय कैसे करना है, डीलिंग विद द लॉर्ड, भगवान के साथ डील करते हो कैसे करना है. जैसे भगवान के साथ डील कर रहे हो तो दृढ़ निश्चय बनो, मन और बुद्धि भगवान में अर्पित रखो, भगवान के लिए भक्तिमान बनो, एंगेज इन डिवोशनल सर्विस, और भगवान के प्रति हमारी मति को स्थिर रखो, ऐसा है. एंड देन रिएक्शंस विद थिंग्स हैपेंस टू यू, कुछ आपके साथ होता है तो क्या करना है, स्थिर रहना है, सेटिस्फाइड रहना है, कंट्रोल रहना है, न्यूट्रल रहना है, शुद्ध रहना है. कुछ अपन कुछ करते हैं तो अशुद्ध नहीं बनना है हमको, कोई आप पर कीचड़ फेंकना है तो आप ही कीचड़ उठा के फेंक दो, ऐसा नहीं. So many things are there which are related to when things happens to you, what should you do? There are qualities related to that, and then there are qualities related to self. अपने लिए क्या करना है? जैसे निर्मम, giving up the proprietorship. तो ऐसे बहुत सुंदर-सुंदर qualities हैं. I would leave that qualities up to you. Read them, understand them, ask them to the devotees whom you are connected to. आपके जो भी शिक्षा गुरु है, mentor है, counselor है. आपको कोई डाउट होता है तो उनसे पूछिए. बट इन दिस कार्तिक मंथ ट्राई टू डेवलप दिस क्वालिटीज. दीज आर द क्वालिटीज विच विल मेक अस प्रिय. किसके प्रिय बनना है हमको? कृष्ण के. समभक्ता समय प्रिय. तो ये बहुत सुंदर एक चैप्टर था जिसको आई वॉन्टेड टू कवर. आई होप आई डिड जस्टिस टू वट एवर एक्सटेंट आई कैन. इसमें जो भी त्रुटि है वो मेरी है, और जो भी सही ढंग से मैं प्रस्तुत कर पाया वो हमारे वरिष्ठ भक्तों की कृपा है, हमारे गुरु महाराज की कृपा है, श्री प्रभुपाद की कृपा है. आप उसको भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करना और इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना. आई एम ऑल्सो ट्राइंग, सो प्लीज प्रे फॉर मी दैट आई कैन ऑल्सो डू दिस. प्लीज ब्लेस मी दैट आई कैन ऑल्सो फॉलो दिस थिंग्स.
श्री कार्तिक दामोदर मास महोत्सव की जय, श्री कृपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, गाय गौर प्रेमानंदे। मुझे पता है सब लोग वेट कर रहे हैं अभी दामोदर चक्रवर्ती प्रसादम के लिए, कोई बोल रहा प्रसादम के लिए वेट कर रहा है, प्रसादम बाद में पहले दामोदर अष्टक। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।